सो गाइस, यहाँ पर हम लोग होलिका दहन की अग्नि लेने के लिए जा रहे हैं। हाय गाइस, ये धरिया बाबूजी धरा है यहाँ तो हेमंत तो ये झरिया लेके आए हैं। मैंने तो देखा है बहुत गली हुई है हेमंत। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। हेमंत भैया झरिया लेके जाते हैं तो भैया मजाक बना रहे थे, एक और झरिया थी बाबूजी उससे मारते थे हेमंत भैया को, इस वजह से फिर हम लोग वहाँ पहुंचे। और यहाँ पे भैया ने आरती पूजा की, होलिका दहन पहले ही हो चुका था, हम लोग थोड़े लेट पहुँचे थे। हम लोग को पता लगा था कि 11:15 के बाद ही होनी है पूजा, लेकिन ये पहले ही थोड़ी शायद हो गई थी। हम लोग शायद लेट पहुँचे थे, हम लोग कुछ पता नहीं है, बट हम लोग जब पहुँचे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी वहाँ पे। बस हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी अग्नि ली वहाँ से और बालों को जलाया। बाल जो खेत में बाल होते हैं वो नई जो खेती होती है वो होलिका जी को दी जाती है कि आप भी ग्रहण करें। एंड फिर यहाँ पे हेमंत भैया देखो झरिया में अग्नि कैसे रख के ला रहे हैं, तो मैं कह रही थी दिखाओ तो जरा कैसे लेके आ रहे हो। और फिर इनकी अब मजेदार बातें सुनना, आपके आप लोगों को बहुत मजा आएगा, सुनो। यही तो खेल है पूरा, जाए धन नहीं जा जाए, जाए टूट कर करो जाए, जैसे तो नजर अगर लग गई जगे दिखा दो, दिखा नहीं दो मतलब राखी को लगा दो बबूती। बहुत बढ़िया, ठीक है, उसका मज्जा की राख है जो। जब हम लोग अग्नि लेकर आए ना, तो इस गोबर की जो छोटी छोटी हम लोग क्या बरबुलिया बोलते हैं, आप लोग क्या जो भी बोलते हो कमेंट्स में मुझे बताना, तो बरबुलिया के में हम लोग ने अग्नि रख दी थी। फिर उससे वो अग्नि से और प्रज्वलित हो गई अग्नि, फिर पूजा की, पापा जी ने आरती की, गुलाल लगाया, मम्मी ने यहाँ पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखी थी। फिर ये बालें होती है ना, इनको थोड़ा सा वहाँ जला लिया था, थोड़ा सा घर पर जला लेंगे। अग्नि में इसलिए डाली जाती है कि होलिका माता से कहा जाता है ये अब नया अनाज आया है, आप इस अनाज को अब खाइए, आप खाएंगी तभी तो हम लोग खाएंगे, ऐसा कुछ होता है आई गेस, मुझे इतना पता नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये बालें होती हैं खेती में, खेत में लगती हैं, जो कि नई खेती होती है अब होली के बाद की। एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं परिक्रमा पूजा होने के बाद, और इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है क्योंकि 31, 21, 11, 7 और 5 बरबुलिया की पूरी माला बनती है ऊपर तक, तब होलिका दहन की पूजा होती है। एंड देन बाद में लोई बनाई जाती है, आटे की लोई, और उसको अपने बॉडी पे लगाया जाता है ताकि हमारे जो रोग हों वो सारे होलिका की अग्नि में ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वो भी किया जाता है। आप लोग क्या किया जाता है नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर होलिका ऐसी जल रही थी, और उसके बाद मम्मी पापा जी सब लोगों ने एक दूसरे का टीका किया। देखो बदतमीज है ये, लज्ज लड़की है जो। मांग भर दो। क्या मांग भरे, मांग भरने वाला लेके आएंगे हम उसके लिए। पापे ने लगा तो दो, चाह रही जो चाह रही है अब ले, ठीक है नहीं आँख आँख में चश्मा। जो बताओ आप, पापा ही ने आपको लगा देखो नहीं जैसे तो जो वाले गुलाल खुलवाओ की वीडियो लेने की फोटो लगेगी लगा।
सो गाइस, रात में पूजा वगैरह हो गई चुकी थी, होली की मस्ती हो गई। सुबह जब मैं सो के उठी, बाहर निकली तो देखा बच्चे होली खेल रहे थे, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मतलब शिखा दीदी, छोटे बुआ, गुड़ा बुआ, अंकित भैया, नूर, ऋषु भैया, हेमंत भैया, अंकित भैया, इतने मज़े करते थे हम लोग, बहुत होली खेलते थे। फिर छोटे छोटे बच्चे बोली दीदी थोड़ा सा लगवा लो, मैंने कहा मैंने ब्रश भी नहीं किया, तो भी बोली थोड़ा सा लगा दो, लगा लो दीदी प्लीज़। और मतलब वो लोग इतनी खुश हो गई लगा के, पूछो ही मत। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तुम बहुत बढ़िया, पता पानी हैप्पी होली माँ, हैप्पी होली। बच्चों की होली के बाद बैक टू द किचन। तो गाइस, छोले बन चुके हैं हमारे, ये छोले बन गए हैं। लिखा हुआ है छोले तो दिख ही नहीं रहे, छोले की सब्जी बन गई है। मैं यहाँ चाउमीन बना रही हूँ। ओके, होली पार्टी होगी हमारे घर। हाय गाइस, हाय गाइस, हमारी होली पार्टी रेडी है। आप देख सकते हैं हमारी होली पार्टी में बस अब डिपेंड दही बड़े, पोला और ये रमाजा बना, और इसमें है चाउमीन, और ये गोलगप्पे का मसाला, ये गोलगप्पे का पानी, गुजिया, मटरी, और ये रहे हमारे गोलगप्पे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी नीचे है। और हैप्पी होली गाइस, सेव भी आ गए, चटनी भी आ गई, ढेर सारी जी। यहाँ पे ना मुन्नू को परेशान कर रहे थे कि तुम भी खाओगे, क्योंकि वो खाने में एक नंबर है, तो उसके मजे ले रहे थे। एंड देन फिर सब लोग यहाँ पे एंजॉय करके खा रहे थे, कोई गुजिया खा रहा है, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, फुल ऑन मजे। हम लोगों ने सबसे पहले खाना पीना किया, क्योंकि अगर हम लोग पहले होली खेलने लग जाते ना, तो फिर हम लोग और फिर खा नहीं पाते, तो हम लोगों ने पहले खाया, क्योंकि उसके बाद होली खेलने के बाद खाना भी खाना था, इस वजह से। आ भैया कद्दू बनाओ, चाउमीन दब रही है ये। पोला ले लो, पोला। सब जने ठूस में लगे, कोई को कजू। सो गाइस, इस होली पार्टी का ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, तो आप लोग वेट करिएगा, मैं बहुत ही जल्द डाल दूंगी पार्ट टू भी, तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत मजे किए हम लोगों ने। खाना 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 देख के, खाना से दूर, खाना से दूर, वो तो एक खेलो यार।
जो अलग बोर आ रही गाइस, ये था पार्ट वन होली का। होली का पार्ट टू भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत मज़ेदार व्लॉग्स, चैलेंज सब कुछ आने वाला है इस मंथ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस देखो, मेरा दूसरा फ़ोन भी बोल रहा है सब्सक्राइब कर देना। ओके, सब्सक्राइब। मिलते हैं होली के पार्ट टू में। बाय गाइस, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खूब सारी गुजिया खाइए।